हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन निज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का हो, SSC CGL का हो, MTS का हो, सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए चलाया गया था? ऑप्शन ए हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन डी इंडिगो श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिगो श्रमिक की समस्या को हल करने के लिए। जो चंपारण आंदोलन था, जो चंपारण कहाँ स्थित है? चंपारण स्थित बिहार में स्थित है। ये इसलिए चलाया गया था क्योंकि इंडिगो श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, जिसमें किसानों को इंडिगो जो अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जा रहा था कि किसानों को इंडिगो जो फसल होती है उसको उगानी जरूरी है वहाँ पर जहाँ पर वो कृषि करते हैं, क्योंकि अगर इंडिगो मतलब जहाँ पर उनकी खेती है मतलब उसमें से 70% इंडिगो वहाँ पर उगानी जरूरी है उनको, यह उनके शोषण किया जा रहा था। इसके लिए आंदोलन चलाया गया था गांधी जी द्वारा, इस शोषण को मुक्त करने के लिए, किसानों पर जो शोषण हो रहा था उसको मुक्त करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन ए एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि भी कहा जाता है, यह हमारे शरीर की मतलब इसको हेड मास्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य ग्रंथि होती है, इसका मुख्य कार्य होता है जिससे लंबाई बढ़ाने में भी काम आती है, और जो थायराइड ग्रंथि है अंतःस्राव ग्रंथि उसको कंट्रोल करने में भी पीयूष ग्रंथि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो थायराइड ग्रंथि होती है वो जो हमारे एडम एप्पल होता है वहाँ स्थित होती है थायराइड ग्रंथि। अगर थायराइड ग्रंथि मतलब कमी हो जाए मतलब हार्मोन की थायराइड ग्रंथि में, तो गलकंड नामक रोग हो जाता है जिससे गला होता है वो फूल जाता है वहाँ पर, और जो एड्रिनल ग्रंथि है वो इसको करो या मरो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है एड्रिनल ग्रंथि को, और एड्रिनल ग्रंथि स्थित होती है जो हमारे किडनी होती है उसके ऊपर स्थित होती है एडिनल ग्रंथि। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, पित्त रस एक थैली में संग्रहित होता है जिसका नाम क्या है? ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आमाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पित्ताशय। जो यकृत होता है ना लीवर के द्वारा जो पित्त रस छोड़ा जाता है मतलब बाइल रस छोड़ा जाता है वो किस में संग्रहित किया जाता है पित्ताशय में, बाइल ब्लेडर होता है उसके अंदर संग्रहित होता है पित्तरस, जो हमारे शरीर में कम से कम 1.5 से 2 किलो लीटर बनता है प्रतिदिन। अगर अच्छा आप जानते हो कि पेनक्रियाज ये इंसुलिन का निर्माण करता है, या कह जानते हो लीवर जिससे पित्तरस छूटता है, और जो अमाशय जो हमारे शरीर में बहुत सारे खाना जिसके द्वारा पचाया जाता है वो आहार जिस आहार होता है जो खाना हम जो खाते हैं वो अमाशय के द्वारा हमारे शरीर में मतलब पचाया जाता है अमाशय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। जो वल्लभ भाई पटेल की जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो महात्मा गांधी द्वारा दी गई थी जब 1928 में बारडोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी, उसी के योगदान को देखते हुए महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल का नाम पूरा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया था। ये जो उपाधि दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। और ये पूछा जाए किस समय दी गई थी? वो दी गई थी वारडोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू को आप जानते होंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और सुभाष चंद्र बोस ने एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को जानते होंगे, इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश, डी कोई भी सदन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी सदन। मतलब भारत के अंदर जो लोकसभा और जो राज्यसभा होती है उच्च सदन और निम्न सदन, उसमें से कोई सा भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कर सकता है, जिसका राइट आंसर होगा डी कोई भी सदन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी गोदावरी।
यदि भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी होगी, अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगा होगी, और यदि भारत की पूछा जाए तो गोदावरी हो जाएगी, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी डॉक्टर अमर्त्य सेन, सी मदर टेरेसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों बाद में जो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जीता गया था, यह उन्हें 1913 में प्राप्त हुआ था। और पूछा जाए किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, वो प्राप्त हुआ था उन्हें साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दिया गया था? 1913 ईस्वी में दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था उनकी पुस्तक गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए, उनकी पुस्तक थी गीतांजलि, उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, इस कारण से दिया गया था। और आप जानते हो डॉक्टर अमर्त्य सेन, इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ये मात्र एक ऐसे व्यक्ति है भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और मदर टेरेसा, जिन्हें दिया गया था शांति के लिए, कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1979 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार, दिया गया था 1979 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। टोडरमल अकबर के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? ए कृषि, बी वित्त, सी सुरक्षा, डी प्रधानमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा वित्त। टोडरमल थे जो अकबर के शासनकाल में वित्त मंत्री थे, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, जो राजस्व का काम संभालते थे। अकबर कौन है? अकबर एक मुगल बादशाह है, और जो टोडरमल थे वो नौ रत्नों में से एक थे। टोडरमल जैसे बीरबल, अब्दुल खान दो प्याजा, तानसेन, टोडरमल ये भगवान दास, मानसिंह, इनके अंदर से टोडरमल भी एक नौ रत्नों में से एक थे। जो टोडरमल थे वो एक वित्त मंत्री थे अकबर के शासनकाल के समय। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिए, जिससे आप सारे क्वेश्चन कवर कर सको आने वाले एग्जाम के लिए, और अच्छे अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सको और आपकी जॉब लग सके आराम से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पहले राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ए मदर टेरेसा, बी आचार्य तुलसी, सी जमशेदजी टाटा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को अभी बताया था मैंने, मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सर्वप्रथम अगर राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था तो वो मदर टेरेसा को किया गया था। कब किया गया था? 1992 में, 1992 में किया गया था। और जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार कब स्थापित किए गए थे? 1991 में स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? ए नरेंद्र सिंह कपानी, बी जे एल बेयर्ड, सी माइकल फेराडे, डी जोहानेस गुटेनबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा जोहानेस गुटेनबर्ग। माइकल फेराडे को जानते हो, विद्युत प्रवाह के, विद्युत प्रेरण के नियम के लिए जाने जाते हैं माइकल फेराडे। और जे एल बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार के जाने जाते हैं। और नरेंद्र सिंह कपानी जानते हैं जो फाइबर के लिए, फाइबर के निर्माण करने के लिए, जो इंटरनेट चलाते हैं, जो फाइबर के द्वारा जो इंटरनेट आता है उसके निर्माण के लिए नरेंद्र सिंह कपानी जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब 2018 जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने 2018 में ढाका में आयोजित अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता था, और इसने भारत में किसको हरा के जीता था? श्रीलंका को हरा के जीता था। और 2019 में पूछा जाए तो किसने जीता है? 2019 में भी होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। और जो एशिया कप खिताब 2018 हुआ था वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां की ओर। तुजो के बाबरी ये बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ए अबुल फजल, बी अमीर खुसरो, सी अकबर, डी अब्दुल रहीम खाने खाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। तुजो के बाबरी या बाबर नामा का फारसी में अनुवाद पूछा जाए, और ऐसा और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाबर नामक की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? जो लिखी गई थी तुर्की भाषा में। और बाबर नामा जो पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी? वो लिखी गई थी स्वयं बाबर द्वारा लिखी गई थी। बाबर नामा लिखी गई थी और स्वयं बाबर द्वारा लिखी गई थी, और ये बाबर द्वारा ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसे तुजुक ए बाबरी कहा जाता है तुर्की भाषा में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 को बता दिया, इसका डी आंसर सही है, अभी बता देता हूँ इसका डी आंसर सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? ए हिस्टोन, बी एक्टिन, सी कैरेटिन, डी इलास्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी केराटिन जो प्रोटीन जो बालों में पाया जाता है जो बालों को मजबूत करता है, वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है उसमें केराटिन पाया जाता है। ये बालों के साथ साथ जो हाथों तो पैरों की जो अंगुली में जो वो अंगूठे होते हैं, नाखून होते हैं, नाखून तो सॉरी जो हमारे शरीर में जो नाखून होते हैं हाथों तो पैरों की अंगुलियों में, उसमें भी केराटिन प्रोटीन पाया जाता है और बालों में भी केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ये बालों को मजबूत बनाते हैं केराटिन प्रोटीन, और त्वचा के लिए भी अच्छा रहता है केराटिन प्रोटीन। अगर बात करें हिस्टोन प्रोटीन, ये डीएनए में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में डीएनए होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। और एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है पूरे शरीर में पाया जाता है, जो यूकेरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर जो भी यूकेरियोटिक कोशिका के जो जानवर होते हैं एनिमल होते हैं और ये सभी में एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। और इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ये जो टिश्यू होते हैं हमारे शरीर में उत्तक उसको कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये कनेक्ट करने में काम आता है। टिश्यू को कनेक्ट करने में इलास्टिन प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे जो हमारे टिश्यू होते हैं वो मजबूत होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होकर आराम से कनेक्ट हो पाते हैं, मजबूती से कनेक्ट हो पाते हैं इलास्टिन प्रोटीन के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ए संघनन, बी जमना, जमने का मतलब फ्रीजिंग, सी संघनन, डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। अगर कोई इंग्लिश बताऊँ इसका ऊर्ध्वपातन क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, जिसके अंदर ठोस से सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाती है, मतलब ठोस से द्रव में नहीं बदलती है, वो सीधे कोई वस्तु ठोस में तो सीधे गैस में बदल जाती है। जैसे कपूर हो गई, वो ठोस में होती है जब उसको जलाते हैं तो सीधे गैस में बदल जाती है, धुआं उठने लगता है। नेफ्थलीन हो जाए, नेफ्थलीन होती है, अमोनिया होता है, ये सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं, इनके उदाहरण ही है। ऊर्ध्वपातन के उदाहरण पूछा जाए तो ये नेफ्थलीन, कपूर, अमोनिया ये हो जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चींटी के डंग में अमल होता है, चींटी के डंग में होता है कौन सा अमल पाया जाता है, ए लेक्टिमल, लैक्टिक अमल, बी फॉर्मिक अमल, सी टॉटरिक अमल, डी एस्कॉर्बिक अमल। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर्मिक अमल, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चींटी होती है उसके डंग में जो जो अमल पाया जाता है वो पाया जाता है फॉर्मिक अमल, इसको एस्कॉर्बिकल अमल भी कहा जाता है, एस्कॉर्बिकल अमल भी कहा जाता है इसको। जिसका अगर पूछा जाए केमिकल नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो इसका हो जाएगा HCOOH। क्या हो जाएगा, मैं लिख के बताते हैं ना, HCOOH ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो HCO2H। अगर HCO2H लिखा है जब ये भी सही है, और HCOOH लिखा है ये भी सही है, दोनों में से कोई से भी आएगा दोनों सही है, क्योंकि OOO2 हो गया। आगे चलते हैं, और टार्टरिक अमल तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक अमल होता है जो दही में पाया जाता है। इलेक्ट्रिक अमल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। दूध को दही में बदलने के कार्य कौन करता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु वो करते हैं लैक्टिक अम्ल, ये दूध को दही में जमाता है। टार्टरिक अम्ल जानते होंगे, फिटक्री में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल जानते होंगे, जो विटामिन सी होता है सब में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फ्रूट होते हैं, उनमें सब में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू, टमाटर, नींबू में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला, नींबू, इनमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, नारंगी इसमें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 200 सॉरी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। गुरुशिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है, ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। इसका राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान में। गुरुशिखर जो पर्वत चोटी है वो राजस्थान में स्थित है। जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरुशिखर है, और ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान में जो माउंट आबू है वहाँ पर स्थित है गुरुशिखर। अगर आपसे पूछा जाए गुरुशिखर की लंबाई कितनी है, तो वह है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर है, मैंने बता दिया। और जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ जाए तो कौन सी है, गुरुशिखर पर्वत है, और यह कहाँ स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, और इसकी ऊंचाई पूछ जाए तो कितनी है, 1722 मीटर है। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जो अरावली पर्वतमाला निकलती है कहाँ से निकलती है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से स्टार्ट होती है, गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, और ये ख़त्म हो जाती है दिल्ली, दिल्ली में ख़त्म हो जाती है, दिल्ली के जो JNU के कैंपस है ना, JNU कैंपस, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये गुजरात में भी निकलती है, राजस्थान में जाती है, हरियाणा में जाती है। इसका संबंध गुरुशिखर जो पर्वतमाला है, मतलब अरावली पर्वतमाला, उसका संबंध मध्य प्रदेश नहीं है, यह गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान में जाती है, सब ज़्यादा देश के लंबाई पहुँच जाती है राजस्थान में, तो उसके बाद हरियाणा में जाती है, और फिर उसके बाद दिल्ली में जाती है, और वहाँ ख़त्म हो जाती है। जो JNU कैंपस है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर इसका अंतिम छोर है अरावली पर्वतमाला का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है,
ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी मेघालय, डी जम्मू कश्मीर। जिसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आप जानते होंगे जो केसर होती है वो उतनी कहती है, और जो केसर किसी निकलता है स्टिग्मा से निकलता है, जो केसर का प्राप्त किससे होता है, रंध्र, रंध्र भी बोलते हैं, स्टिग्मा भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, उससे प्राप्त होता है केसर। और इस एकमात्र राज्य भारत में जो केसर का उत्पादन करता है वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर है। अब इनकी बता देता हूँ, इनकी राजधानी कौन कौन सी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है, आप जानते होंगे दो कैपिटल है जम्मू कश्मीर की, एक विंटर कैपिटल है, एक समर कैपिटल है। अगर विंटर कैपिटल की बात की जाए तो कौन सी है, वो है जम्मू, क्योंकि श्रीनगर में, क्योंकि श्रीनगर में अगर सर्दियों की बात की जाए तो जम जाती है, इसके कारण श्रीनगर तो समर कैपिटल हो गई। और विंटर कैपिटल की बात की जाए तो जम्मू में कौन सी हो गई, जम्मू हो गई। मेघालय की बात की जाए, ये भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, मेघालय की राजधानी शिलांग है। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, इसकी भी दो कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है, एक समर। विंटर कैपिटल की बात की जाए तो है धर्मशाला, धर्मशाला है, क्योंकि शिमला में सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए विंटर कैपिटल धर्मशाला हो गई। और हिमाचल प्रदेश के अगर समर कैपिटल की बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी, शिमला। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल कौन सी हो जाएगी, शिमला हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की बता दी, उत्तराखंड की देहरादून है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जिसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1923, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1918। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 में। सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी 1920 में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन आपको याद नहीं होगा, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। इस ऑप्शन को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बहुत से बच्चों को याद नहीं होता कि कब पास की थी, ये 1920 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी शिमला मिर्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नींबू। जो जितने भी खट्टे पदार्थ, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और जो विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, नींबू आंवले इसमें पाई जाती है, नारंगी इनमें। और विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा भी नींबू में होती है, नींबू आंवले टमाटर, नींबू आंवले इनमें, नींबू हो गया, आंवले हो गए, नारंगी हो गए, इनमें विटामिन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाती है विटामिन सी की। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, डोली एक प्रतिरूपी का उदाहरण है। जो प्रतिरूपी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। किसको समझ में नहीं आता तो मैं बता देता हूँ, क्लोन होता है, प्रतिरूप का मतलब क्लोन, मतलब एक संतान की जैसी सेम टू सेम दूसरी संतान का बनाना ही क्लोन कहलाता है, तो प्रतिरूप का क्लोन हो गया। डोली एक क्लोन किसका उदाहरण है, जो डोली बनाई गई थी वो किसका उदाहरण है, मतलब बंदर का है, मुर्गी का है, मतलब जो डोली एक भेड़ बनाई गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी, किसकी कॉपी थी वो, किसकी कॉपी थी वो, बंदर की थी, मुर्गी की थी, भेड़ की थी, गाय की थी, वो थी एक भेड़ की। जो डोली थी वो एक फीमेल शिप थी, जो भेड़ की कॉपी थी, मतलब भेड़ का क्लोन था वो एक फीमेल शिप थी डोली। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई गई थी, ये भी पूछा जाता है। डोली का क्लोन बनाया गया था सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था, वो बनाया गया था इलियट विलमुट के द्वारा, इलियट विलमुट के द्वारा बनाया गया था सबसे पहले। डोली का जो प्रतिरूप का उदाहरण था, मतलब जो डोली बनाई गई थी जिसका क्लोन बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, इलियट विलमुट के द्वारा बनाया गया था। और कहाँ पर बनाया गया था, स्कॉटलैंड के एक प्रयोगशाला थी, मेस्टोन प्रयोगशाला, उसमें बनाया गया था। दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन कवर हो गए। अगर दोस्तों अगर ये आपका सर, दोस्तों आगे चलता हूँ मैं, आपको बता देता हूँ मेरे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मतलब ऑल इंडिया जम के टेलीग्राम चैनल का लिंक है ये। दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूँगा, जो भी जो ये वीडियो डिस्कस किया मैंने उसके पीडीएफ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब जब आप टेलीग्राम पर क्लिक मारोगे इस पीडीएफ के अंदर, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पहुँच सकते हो। अगर फेसबुक ज्वाइन करना चाहते हो हमारा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आती है, नए नए अपडेट आते रहते हैं, एग्जाम से संबंधित हम नए अपडेट आते रहते हैं, करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उस। अगर टेलीग्राम फेसबुक चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर देना। और ऑल इंडिया का इंस्टाग्राम चैनल क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर देना, पीडीएफ के अंदर पीडीएफ ओपन करा दूंगा। उसके अंदर आप जब पीडीएफ को ओपन करोगे और इस पर क्लिक मारोगे तो आप डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम चैनल पहुँच जाओगे। ट्विटर पर क्लिक करोगे तो आप ट्विटर पर पहुँच जाओगे हमारे। और दोस्तों जो रेड बटन दे रखा है, ये रेड बटन दे रखा है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच जाओगे, जिससे आप हमारे अदर वीडियो भी देख पाओगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन को आप समय प्राप्त कर सके और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पहुँच जाओगे, या तो आप ऑल इन एग्जाम ए टू जेड अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो हमारे चैनल निकल के आ जाएगा, ऑल इन एग्जाम ए टू जेड। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सभी दोस्तों को जिससे सभी कैंडिडेट सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके और एग्जाम में के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सके। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।